तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आई पर। दोस्तों, आज हम ईवल ड्रैगन्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे जी वॉरियर्स गोगो को बचाने के लिए ईवल ड्रैगन्स से लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बारी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। जो लोग माय हीरो एकेडमी के फैन हैं, वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माय हीरो एकेडमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा ईवल ड्रैगन के सामने हार चुका होता है, जिसके बाद गोकू आके उसे बचा लेता है। गोकू और ईवल ड्रैगन में फाइट होती है, पर दोनों ही सीरियसली नहीं लड़ रहे होते। पर जल्दी वो फैसला करते हैं कि दोनों सीरियसली लड़ना शुरू करेंगे। इसके बाद गोकू एकदम से ईवल ड्रैगन पर हमला करना शुरू करता है और ईवल ड्रैगन गोकू की स्पीड को देख के हैरान रह जाता है। गोकू एकदम से जाके ईवल ड्रैगन के चेहरे पर बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और इसके बाद उसे दूसरा पंच मारता है। गोकू उस पर लगातार घूसे बरसाने लग जाता है और इसके बाद एंड में उसे खिंचाके एक लात मारता है। गोकू इस बारी पूरी तरीके से ईवल ड्रैगन पे हावी होता है। ईवल ड्रैगन दूर जाके गिरने वाला होता है, पर गोकू उसके पीछे जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। पर गोकू का नेक्स्ट पंच उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। गोकू अपना नेक्स्ट पंच ईवल ड्रैगन के मुँह पर मारता है और ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि आसपास की पूरी ज़मीन फट जाती है। और इस पंच में से इतना ज़ोरदार शॉक वेव निकलता है कि वो हर तरफ फैल जाता है। वेजिटा, गोटेन, ट्रंक सभी लोग इस पंच की ताकत को देख के हैरान रह जाते हैं। गोकू ने जहाँ पे ईवल ड्रैगन को पंच मारा था, वो वहीं पे खड़ा होता है। और इसके बाद ईवल ड्रैगन भी उठता है और उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। ईवल ड्रैगन गोकू से बोलता है कि तुम्हारा ये पंच तो पिछले वाले पंच से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। गोकू ईवल ड्रैगन से बोलता है कि लगता है तुम अब समझ गए हो, ये है मेरी असली ताकत। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। वेजिटा काफ़ी हैरान होता है। वेजिटा समझ चुका होता है कि गोकू क्या कर रहा है। वो बोलता है कि अच्छा, आखिर ये पागल सोच क्या रहा है। तभी हम गोकू को देखते हैं और गोकू को देख के पता चल रहा होता है कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब गोकू उठा होता है। गोकू ओल्ड सुप्रीम काय से बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काय, मुझे ट्रेन कीजिए। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम्हें ट्रेन करूं? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। गोकू बोलता है कि आपने सही समझा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर वही टेक्निक का इस्तेमाल करें जो आपने गोहान और बाकी सभी पर करी है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अच्छा, यानी कि तुम भी सुपर सैयन 5 में बदलना चाहते हो। गोकू बोलता है कि आप सही समझे, मैं यही चाहता हूँ। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अच्छा, पर सच बताऊँ तो मुझे एक बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये ईवल ड्रैगन बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और इसके सामने सुपर सैयन 5 भी कुछ नहीं कर पाएगा। गोकू बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं सुपर सैयन 5 से भी आगे निकलना चाहता हूँ। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम सुपर सैयन 5 से भी आगे निकलना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? गोकू बताता है कि मुझे सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक सीक्रेट पता चला है, जब मैं दूसरों की फाइट को सेंस कर रहा था। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि क्या? गोकू बताता है कि जब भी हमने किसी ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लिमिट तोड़ के पाया, उस हर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कॉमन था। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि कुछ कॉमन था, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो क्या था? गोकू बोलता है कि सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सुपर सैयन 1 में बदलने के लिए रेज जरूरी था, और सुपर सैयन 2 में बदलने के लिए भी रेज जरूरी था, और सुपर सैयन 3 में बदलने के लिए खुशी का इमोशन ज़रूरी था, और सुपर सैयन 4 में बदलने के लिए दुख का इमोशन ज़रूरी था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सैयन अपनी लिमिट को तब तोड़ते हैं जब वो इमोशनली अपना कंट्रोल खो देते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अच्छा, पर मुझे ये बताओ कि ये चीज़ तुम्हारी ताकतवर बनने में काम कैसे आएगी? गोकू बोलता है कि यहीं पर मुझे आपकी टेक्निक की ज़रूरत है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन सभी इमोशंस पर कंट्रोल पाकर अपनी ताकत को बाहर निकालूंगा और उस पर पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने इमोशंस के ऊपर से लिमिट को हटाने की कोशिश करूंगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी, जो कि उस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मैं इन सभी इमोशंस को एक एक करके रिलीज़ करूंगा तो हो सकता है कि मेरी ताकत गोहान और वेजिटा से भी ज़्यादा हो जाए, और अगर मैं ऐसा कर पाया तो हो सकता है कि मैं सुपर सैयन 5 की ताकतों से आगे भी निकल जाऊँ, या फिर सुपर सैयन 5 की ताकत का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। इसके बाद हम करंट टाइम में आ जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, ये चारों के चारों इमोशंस को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसकी ताकत का आउटपुट मेरे और गोहान की ताकत से बहुत ज़्यादा है। कैकरोट सैयन एवोल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ चुका है, इसीलिए चारों इमोशंस को एक साथ कंट्रोल करने का आइडिया उसे आ गया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक बारी फिर से मैं पीछे छूट गया। उसने एक बारी फिर से मुझे सरपास कर दिया, वो भी इतने कम समय में।
क्या करोट, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे पूरी तरीके से हरा दिया है, और अब इस लड़ाई को ख़त्म करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ईवल ड्रैगन आमने सामने खड़े होते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि ठीक है, तुम मेरी असली ताकत देखना चाहते हो ना, तुम्हारी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। गोकू बोलता है कि मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता। इसके बाद ईवल ड्रैगन पावर अप करने लग जाता है। ईवल ड्रैगन के पावर अप करने की वजह से हर जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा होता है, और गोकू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि इसकी की तो कमाल की है, मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। ईवल ड्रैगन ने की से अपने आप को चारों तरफ से घेर लिया होता है, और इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन जैकेट मैक्स पावर। ईवल ड्रैगन स्माइल करता है और बोलता है कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने लड़ाई छोड़ी थी। गोकू बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम्हारी ताकत उससे भी ज़्यादा है, सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ईवल ड्रैगन अपनी जगह पर खड़ा होता है और एकदम से गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ईवल ड्रैगन बहुत तेज़ी से जाके गोकू के पेट में बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और गोकू के मुंह से खून निकल आता है। ईवल ड्रैगन हंस रहा होता है और इसके बाद वो गोकू पर लगातार पंच बरसाने लग जाता है, और इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। गोकू जाके ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराता है, और इसके बाद ईवल ड्रैगन एक अटैक बनाने लग जाता है जिस अटैक को वो गोकू पर शूट करने वाला होता है। इस अटैक का नाम होता है डबल ड्रैगन, और ये अटैक बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ये अटैक गोकू से जाके टकराता है, वैसे ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा अपने आप को इस अटैक की ताकत से बचाने की कोशिश करता है। इस अटैक की ताकत को देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सभी को लगता है कि गोकू शायद इस अटैक की वजह से दिक्कत में होगा। जहाँ ईवल ड्रैगन का ये अटैक टकराया होता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है, और ईवल ड्रैगन स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता। तभी उस गड्ढे के अंदर से कोई निकल के बाहर आ रहा होता है, और ये हमारा गोकू होता है। गोकू थोड़ा सा थका हुआ तो ज़रूर लग रहा होता है, पर वो ज़्यादा घायल नहीं होता। वो स्माइल कर रहा होता है। वो बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, तुम्हारे अटैक में तो काफ़ी ज़्यादा ताकत थी। ईवल ड्रैगन भी गोकू को देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि तुम काफ़ी टफ हो, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा। ये फाइट तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर और लड़ो। संग गोकू, लड़ने के लिए तैयार रहो। इसके बाद गोकू खुद से बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, इस फॉर्म में लड़ना बिल्कुल बेकार है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू को देख रहा होता है, क्योंकि गोकू की लगातार बढ़ रही होती है। वेजिटा बोलता है कि आखिरकार मैं समझ पा रहा हूँ, कैकरोट की ताकत बढ़ रही है, वो इवॉल्व हो रहा है। गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है और उसके बाल एकदम से वाइट हो जाते हैं। वेजिटा उसकी ताकत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। ट्रंक्स, गोटन और रूट भी काफ़ी हैरान लग रहे होते हैं। आखिरकार गोकू भी एक जानी पहचानी सी फॉर्म में आ जाता है। ईवल ड्रैगन पहली बार किसी की ताकत को देख के डर रहा होता है। आखिरकार गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है, और हम सबके सामने पहली बार खड़ा होता है सुपर सैयन 5 गोकू। वेजिटा हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि जितना मैं सोच रहा था उसकी ताकत उससे भी ज़्यादा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि सेम लेवल पे होने के बावजूद भी ताकत में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। ईवल ड्रैगन हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है, और वेजिटा बोलता है कि कैकरोट, तुम एक बार फिर से जीत गए। ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू एकदम से ईवल ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर देता है, और ईवल ड्रैगन गोकू की स्पीड से हैरान रह जाता है। उसकी स्पीड वेजिटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। भले ही गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों सुपर सैयन 5 क्यों ना हों, पर गोकू बिल्कुल ताकत के एक नए लेवल पर है। गोकू एकदम से ईवल ड्रैगन के सामने से गायब हो जाता है, और उसके पीछे पहुंचकर एक पंच बनाता है। गोकू ये ताकतवर पंच ईवल ड्रैगन के पेट में मारता है। ईवल ड्रैगन गोकू के अटैक को देख ही नहीं पाया होता, और गोकू के इतने ज़ोरदार पंच की वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। गोकू एक बार फिर से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी कमर पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। ईवल ड्रैगन को ये पंच इतना ज़ोरदार लगा होता है कि वो ज़मीन से जाकर टकराता है। गोकू इसके बाद एक अटैक बनाने लग जाता है। गोकू अपनी की को चार्ज करता है, और इसके बाद वो अपने अटैक को शूट करने लग जाता है। ईवल ड्रैगन ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, और जैसे ही उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ था, एकदम से वो ऊपर की तरफ देखता है, और एकदम से गोकू का अटैक आके उसे लग जाता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वेजिटा अपने आप को इस अटैक के फोर्स से बचाने की कोशिश करता है, और इस अटैक के ख़त्म होने के बाद हर तरफ धूल फैल जाती है। कायोशिन रन में लगातार सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि गोकू के अंदर तो गजब की ताकत है, सच में गोकू से इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। गोकू अटैक के बाद ईवल ड्रैगन को देख रहा होता है। वो जानता है कि उस अटैक से ईवल ड्रैगन ख़त्म नहीं हुआ होगा। इसके बाद गोकू नीचे उतरता है और ईवल ड्रैगन के पास जाता है। ईवल ड्रैगन गोकू की ताकत से बिल्कुल हैरान होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि गोकू की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। इसके बाद ईवल ड्रैगन एकदम से आसमान की तरफ उड़ता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो आसमान में जाकर अपनी की चार्ज करता है। गोकू अभी भी उसे ही देख रहा होता है। ईवल ड्रैगन अपने दोनों हाथों को उठाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वेजिटा बोलता है कि ये तो कमाल की ताकत है, पर गोकू बिल्कुल शांत होता है। ईवल ड्रैगन अपना अटैक नीचे की तरफ शूट करता है। वेजिटा बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, पर गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है।
और ईवल ड्रैगन के अटैक को शांति से खड़ा होकर देख रहा होता है। ईवल ड्रैगन का अटैक गोकू तक बस पहुंच ही गया होता है। इसके बाद गोकू एकदम से चिल्लाता है और एक ही झटके में ईवल ड्रैगन के अटैक को खत्म कर देता है। ईवल ड्रैगन को विश्वास नहीं होता कि उसका सबसे ताकतवर अटैक बेकार हो गया। इसके बाद गोकू वो पोज बनाता है जिस पोज को हम सब जानते हैं। गोकू एक बहुत ही ताकतवर अटैक ईवल ड्रैगन की तरफ शूट करने वाला होता है। इसका नाम होता है लिमिटेड कामेहामेहा। गोकू अपना अटैक चार्ज करता है और ईवल ड्रैगन की तरफ शूट कर देता है। ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरानी से खड़ा होता है क्योंकि वो जानता है कि ये उसका अंत है। गोकू अपना अटैक ईवल ड्रैगन पे शूट करता है। ईवल ड्रैगन इस अटैक की चपेट में आ जाता है और आखिरकार उसका नामो निशान मिट जाता है। गोकू अपना अटैक शूट करने के बाद शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। वेजिटा बोलता है कि उसने कर दिखाया। ईवल ड्रैगन कहीं भी नहीं दिख रहा होता। कायोशिन रैन में सब खुश हो रहे होते हैं क्योंकि गोकू जीत चुका होता है। वो बोलते हैं कि उसने कर दिखाया, पर गोकू खुश नहीं हो रहा होता। वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये की किसकी है, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक बार फिर से कायोशिन रैन में आ जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ईवल ड्रैगन वहाँ पे पहुँच चुका होता है। किसी तरीके से वो टेलीपोर्ट करके कायोशिन रैन में पहुँच चुका है। वो अपने आप को गोकू के अटैक से बचाने में कामयाब रहा और सभी के सभी लोग उसे देख के हैरान रह जाते हैं। सबको लग रहा था कि गोकू ने ईवल ड्रैगन को हरा दिया है, पर वो सब गलत निकले। कभी टोकाई बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है जब मैंने इसे टेलीपोर्ट किया था इसने मेरी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को कॉपी कर लिया। गोकू बोलता है कि ये सही नहीं हुआ, ईवल ड्रैगन अभी भी जिंदा है। यही नहीं, वो टेलीपोर्टेशन भी जानता है। ईवल ड्रैगन स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि लगता है मेरे काउंटर अटैक का समय आ गया है। आखिर ईवल ड्रैगन कायोशिन रैन में क्यों गया है और उसका प्लान क्या है और काउंटर अटैक से उसका क्या मतलब है, ये सब कुछ जानेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।